हवन करने से क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का जो है वो भूत सवार है आप लोगों के प्रति, वो भाग जाएगा? हाँ, हम लोग को मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलेगा। जो सर से सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं, और जो वादा से मुकर जाते हैं उसे नीतीश कुमार कहते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने हवन किया था उनके सद्बुद्धि। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, TD न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। देखिए किस तरीके से जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो हवन कर रहे हैं, लगातार अपने विज्ञप्ति को लेकर, अपने मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी है जो परेशान हो गए हैं। देखने वाली बात ये है कि इस हवन से क्या असर पड़ता है शिक्षा मंत्री पे, तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं हवन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे गर्दैनी बाग से, देख सकते हैं कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो हवन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए किस तरीके से, बताइए आप लोग हवन स्टार्ट कर दिए हैं क्या? देखिए ये झूठी गूंगी बहरी सरकार, निकम्मी सरकार, हम लोग जब जब आंदोलन करते हैं तब तब ये आश्वासन देते हैं। बताइए आज क्या प्लानिंग चल रहा है आप लोगों का, आज कुछ अलग कर रहे हैं? हवन कार्यक्रम होगा। हवन करने से क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का जो है वो भूत सवार है आप लोगों के प्रति, वो भाग जाएगा? हाँ, हम लोग को मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि शिक्षा मंत्री को बुद्धि हो। बुद्धि नहीं हुआ है तो हवन करने से ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, पिछला बार थोड़ा ठीक हो गया था, पिछला बार खाली वादा करते हैं। देखिए वादा करते हैं, जो सर से सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं, जो सर से सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं, और जो वादा से मुकर जाते हैं उसे नीतीश कुमार कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए किस तरह अभ्यर्थी जो है शायरी सुना रहे हैं, ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं कोई पंडित नहीं है, ये सीटेट पास अभ्यर्थी है, देख सकते हैं किस तरीके से मंत्र पढ़ रहे हैं, ये लोग पंडित बन गए हैं अब, और हवन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया। इन लोगों को स्कूल में रहने के जगह ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपने मांगों को लेकर यहाँ पे कई नियम अपना रहे हैं, कई क्या क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या इन लोगों का हालत हो गया है, देख सकते हैं सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताइए आप लोग हवन प्रक्रिया स्टार्ट किए हैं क्या? हवन प्रक्रिया स्टार्ट करने के पीछे के कारण है कि सरकार जो है हम तमाम अभ्यर्थियों की बातों को नहीं सुन रही है, इस कारण हम लोगों को मजबूरी बस ये हवन प्रक्रिया करना पड़ा है, ताकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बोलिए आप लोग हवन इसीलिए किया जा रहा है? जी, हम लोग हवन इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर वाले जो है अभी शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि क्यों आखिर आज 3 साल से हम लोग को परेशान कर रखे हैं, अब तो उनको कम से कम बुद्धि आ ही जानी चाहिए। बस यही बताइए जी, लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं सोए हुए हैं, जग जाएंगे, इससे क्या असर पड़ेगा? पिछले बार भी हम लोगों ने हवन किया था उनके सद्बुद्धि के लिए, और इस बार भी सद्बुद्धि के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए हम लोग हवन पे बैठे कोशिश कर रहे हैं कि उनको बुद्धि आ जाए, ताकि सुने कि हाँ लोगों की जरूरत है नोटिफिकेशन की, इसीलिए किया जा रहा है हवन, कम से कम उनको।